बृहदेश्वर मंदिर चोल राजवंश के आर्किटेक्चरल प्रवेश का एक बहुत बड़ा सबूत है। इसकी इंट्रिकेट कार्विंग्स और विशाल संरचना अद्वितीय है। यह तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित है, जो चोल साम्राज्य की राजधानी थी। यह शहर अपने समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है, जो हजारों साल के इतिहास का एक साइलेंट सेंटिनल है। तंजावुर के प्राचीन खंडहर और संरचनाएं इस गौरवशाली अतीत की गवाही देती हैं। यह मैग्निफिसेंट स्ट्रक्चर एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसकी भव्यता और ऐतिहासिक महत्व इसे विश्व भर में प्रसिद्ध बनाते हैं। इसे बिग टेंपल भी कहा जाता है। यहां हर साल हजारों पर्यटक आते हैं, जो इसकी सुंदरता और इतिहास से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। यह मंदिर चोल राजा राजा प्रथम की इंजेन्यूटी और विजन को ट्रिब्यूट देता है। उनकी दूरदर्शिता और कला प्रेम ने इस अद्वितीय धरोहर को जन्म दिया। बृहदेश्वर मंदिर 11वीं शताब्दी सी में बनाया गया था। यह राजा राजा प्रथम के शासनकाल का एक हाई पॉइंट था। वह एक पावरफुल चोल राजा थे, जिन्होंने दक्षिण भारत में एक विशाल साम्राज्य पर राज किया था। यह मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं था, यह चोलों के इंपीरियल माइट और कला के प्रति उनके पेट्रोनेज का भी प्रतीक था। बृहदेश्वर मंदिर द्रविड़ वास्तुकला का एक मास्टरपीस है। यह अपने टावरिंग विमानों, सोरिंग गोपुरमों और इंट्रिकेट नक्काशी की विशेषता है। यह मंदिर पूरी तरह से ग्रेनाइट से बना है। यह चोलों के इंजीनियरिंग कौशल का प्रमाण है। चोलों के भी कांति की भी केम दी की गसा वो है। बृहदेश्वर मंदिर किंवदंतियों और रहस्यों से भरा हुआ है। यह मंदिर सदियों से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता आ रहा है। एक एंड्यूरिंग रहस्य है मंदिर के विमान की परछाई। यह परछाई सदियों से वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के लिए एक पहेली बनी हुई है। कहा जाता है कि विमान की परछाई कभी जमीन पर नहीं पड़ती है। यह अद्भुत दृश्य हर किसी को चकित कर देता है। एक और रहस्य विमान के शीर्ष पर स्थित विशाल ग्रेनाइट गोला है। यह गोला मंदिर की स्थापत्य कला का एक अद्वितीय उदाहरण है। ऐसा कहा जाता है कि यह इतना परफेक्टली बैलेंस्ड है कि इसे एक उंगली से घुमाया जा सकता है। यह मंदिर के रहस्यों में से एक है, जो आज भी अनसुलझा है। सेक्शन 5, लिविंग टेंपल्स, लिविंग फेथ। बृहदेश्वर मंदिर और शोर मंदिर दोनों ही केवल एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स नहीं हैं, ये लिविंग टेंपल्स हैं। ये आज भी पूजा के एक्टिव प्लेसेस हैं। इन मंदिरों में हर दिन हजारों श्रद्धालु आते हैं। वे प्रार्थना करते हैं और डेटी से आशीर्वाद लेते हैं। सेक्शन 6, अनअर्थिंग द पास्ट। आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस और रिसर्च से इन एंशिएंट टेंपल्स के इतिहास और महत्व पर प्रकाश पड़ता रहता है। बृहदेश्वर मंदिर में हाल ही में हुई खुदाई में आर्टिफैक्ट्स का खजाना मिला है। इन आर्टिफैक्ट्स में ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स, पॉटरी शार्ड्स और इंस्क्रिप्शंस शामिल हैं। सेक्शन 7, गार्डियंस ऑफ हेरिटेज। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI बृहदेश्वर मंदिर और शोर मंदिर दोनों के कंसर्वेशन और प्रिजर्वेशन के लिए जिम्मेदार है। ASI नियमित रूप से मेंटेनेंस और रेस्टोरेशन का काम करता है। उनका उद्देश्य इन आर्किटेक्चरल मार्वल्स को समय और तत्वों के रैवेजेस से बचाना है। सेक्शन 8, टाइमलेस ट्रेजर्स ऑफ इंडिया। These ancient marvels stand as a testament to India's rich heritage and architectural brilliance. Brihadeshwar Mandir aur Shor Mandir keval ancient structures se kahin adhik hain. Ye intricate carvings aur stunning designs ka ek adbhut udaharan hain. Ye Bharat ke timeless treasures hain. Ye temples na keval historical significance rakhte hain balki spiritual aur cultural importance bhi. Ye architectural genius, कल्चरल रिचनेस और एंशिएंट इंडिया के रिलीजियस फर्वर के प्रतीक हैं। यहां होने वाले कल्चरल फेस्टिविटीज इस हेरिटेज को और भी वाइब्रेंट बनाते हैं। ये मंदिर ग्लोरियस पास्ट की एक झलक पेश करते हैं।
इनकी हिस्टोरिकल रीएनैक्टमेंट्स हमें उस समय की याद दिलाते हैं। ये फेथ, आर्ट और ह्यूमन एंडेवर की एंड्यूरिंग पावर की याद दिलाते हैं। यहाँ आने वाले आर्टिस्ट्स और डिवोटीज इस जगह की स्पिरिचुअल और आर्टिस्टिक एसेंस को कैप्चर करते हैं। आने वाली पीढ़ियों के लिए इन आर्किटेक्चुरल मार्वल्स को चेरिश और प्रिजर्व करना हमारी जिम्मेदारी है। ये एफर्ट्स इंश्योर करते हैं कि ये ट्रेजर्स हमेशा के लिए प्रिजर्व्ड रहें।